राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में नेशनल हाईवे 56 पर देर रात एक भीषण सड़क घटना का मामला देखने को मिल रहा है। इसमें कार बेकाबू होकर एक पेड़ से जबड़ी है और इस घटना में 3 युवकों को मौके पर मृत घोषित कर दिया है, जबकि 2 जनों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि मृतकों के शवों को बगोदरी CHC में रखा गया है और इस घटना में बताया जा रहा है कि मोइन पुत्र निजामुद्दीन और रतलाम निवासी आयुष पांडे को बांसवाड़ा जिला अस्पताल के उदयपुर से रेफर कर दिया गया है और यह घटना बागी दौरे कालिंजरा रोड पर हुई है। सूचना पर कालिंजरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और शवों का PM करवाने के बाद मोर्चे में रखवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि मृतकों में बांसवाड़ा निवासी कुलदीप कसवारा टांडी, हुंडिया निवासी अजय मिर्दिया और अब्दुल्ला पीर बांसवाड़ा निवासी सैयद पुत्र यसूप को मौके पर मृत घोषित कर दिया गया है। SP हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि मौके पर लोगों की काफी ज्यादा भीड़ हो गई थी और सूचना मिलने के बाद बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन इतने में 3 जनों को मृत घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी के सभी फाइनेंस कंपनी में काम करते थे और कालिंजरा थाना क्षेत्र में किसी जगह कार्यक्रम था और वहां पर ये शामिल होने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोपहर 3 बजे के आसपास वापस लौटते समय इस बड़ी घटना को अंजाम मिला है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट अपनी राय जरूर दें।